अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और टॉपिक हमारा है ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ ग्रुप, कि ग्रुप कहते किसे हैं। बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सी ग्रुप की डेफिनेशन है कि जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करने का इरादा करते हैं तो ये डेवलपमेंट कहलाती है ग्रुप। यहाँ पे कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा एज नीड एज पॉसिबल लोग मिलते हैं, जमा होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? ग्रुप। थोड़ी सी आपसे डिस्कस ये करना चाहूंगा कि ये टॉपिक हमारे लिए एज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ कलेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट में हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं, कलेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और कलेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए ग्रुप मेकिंग बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप मेकिंग के लिए वो क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उसके मेन पॉइंट हैं, जब तक आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उस तक आप कभी भी एक अच्छे ग्रुप मेकर बन नहीं सकते। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा अहम है, क्योंकि हमें कलेक्टिव एफर्ट्स और परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो हमें ग्रुप बनाने होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ग्रुप क्या होते हैं और उनकी बनते किस तरह हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और उनकी तमाम डिटेल। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन। ग्रुप इज अ टू और मोर इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ लोग मिलकर किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जब जमा होते हैं तो ये हमारा मरहला क्या कहलाता है? ग्रुप का। इसको हम कहते हैं ग्रुप। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्रुप बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक ग्रुप होता है फॉर्मल ग्रुप और एक ग्रुप होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप हम किसे कहते हैं? वो ग्रुप जो पहले प्लान किया जाता है, बाद में बनाया जाता है, जिसकी पहले गोल सेट की जाती है, फिर पार्टिसिपेंट गैदर्ड किए जाते हैं, जिसके पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं, बाद में उसके मुताबिक लोगों को हायर किया जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है, जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन से ग्रुप हैं? ये हैं फॉर्मल ग्रुप्स। सेकंड हमारे पास आती है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप किसे कहते हैं? जो हम लाइफ के मुख्तलिफ डोमेन में अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट बनाते चले जाते हैं, ये हमारे लिए कहलाते हैं इनफॉर्मल। बस हम BBA की क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट में चार को ग्रुप अलग अलग बन गए। ये जो ग्रुप बन रहे हैं, ये ग्रुप बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम इंटरेस्ट, सेम हैबिट्स, सेम स्टाइल। तो ये जो ग्रुप होते हैं, इनकी कोई खास प्लानिंग नहीं होती, कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं होती, कोई खास गोल्स नहीं होती, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हमने बात की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सेकेंड ग्रुप होते कितनी तरह के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम जो फोकस करेंगे वो फॉर्मल ग्रुप करेंगे, इनफॉर्मल नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप की एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? ये वो ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल और डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, जिस ग्रुप को हम कहते हैं कमांड। ग्रुप डेट डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंपोज ऑफ इंडिविजुअल हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ गिवन मैनेजर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में लाइन अथॉरिटी होती है, और लाइन अथॉरिटी की खास बात ये होती है कि हमेशा ऑर्डर फॉर्म, और इस ऑर्डर फॉर्म में जब हम बताते हैं कि किसको किसका अकाउंटेबल बनना है, तो ये जो ग्रुप जिसको आप अकाउंटेबल बनते हैं वो ग्रुप कहलाता है हमारे लिए, कौन सा ग्रुप? कमांड ग्रुप। सेकेंड हमारे पास ग्रुप है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप किसे कहते हैं? टास्क ग्रुप वो कहते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक टास्क के स्पेसिफिक मकसद के लिए मुख्तलिफ लोगों को जमा करते हैं, और उन लोगों का कलेक्शन उसी वक्त तक रहता है जब तक वो टास्क अचीव नहीं हो जाता, और टास्क अचीव हो जाने के बाद उस ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है, ऐसे ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? टास्क ग्रुप। थर्ड है हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम किसे कहते हैं? एक ऐसी ऐसा ग्रुप लोगों का जो किसी एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म ना करना चाहते हो, बल्कि डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूट करना जानते हो, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल ग्रुप। दैट इज सेल्फ मैनेज ग्रुप। फोर्थ,
सेल्फ मैनेज ग्रुप किसे कहते हैं? सेल्फ मैनेज ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जो ग्रुप बगैर टीम लीडर के, ये बगैर मैनेजर के, ये बगैर लीडर के खुद परफॉर्म कर सकता है, यानी उनको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं सेल्फ मैनेज ग्रुप। या तो आमतौर पर इनका मैनेजर नहीं होता, या होता है तो उनका इंटरेक्शन की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सेल्फ मैनेज, डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं सेल्फ मैनेज ग्रुप। अब जो हमारा नेक्स्ट इसका स्टेज है वो है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट के हमारे पास ये ग्रुप बनते किस तरह है, मेच्योर किस तरह होता है, आइडियलाइज कैसे होते हैं, उसके हमारे पास 5 स्टेप है। पहला स्टेप है स्टेज फॉर्मिंग, सेकेंड स्टेज है स्टॉर्मिंग, थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग, फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग, और लास्ट स्टेज है एडजर्ट। क्लियर? अब जरा हम इसको स्पेसिफिकली देखते हैं कि सबसे पहला स्टेज फॉर्मिंग क्या है। फॉर्मिंग दो तरह, फॉर्मिंग वो सबसे पहला स्टेप है ग्रुप का जिसके अंदर ग्रुप मेंबर कलेक्ट एक जगह पर जमा होना शुरू, और इस जमा होने के अमल को हम कहते हैं कौन सा स्टेज, फॉर्मिंग, यानी ग्रुप फॉर्म किया जा रहा है इसको, इसलिए नाम फॉर्मिंग है। इसके भी दो स्टेप है, यानी फॉर्मिंग के दो हिस्से हैं। पहला फेज व्हेन पीपल फर्स्ट ज्वाइन ग्रुप, एंड सेकेंड फेज इज व्हेन दे डिफाइन अ ग्रुप पर्पस। पहले मरहले में सब लोग ग्रुप मेंबर जमा होते हैं, और सेकेंड मरहले में उनको डिफाइन किया जाता है कि ग्रुप बनाने का मकसद या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये स्टेज हमारे लिए क्या कहलाता है, फॉर्म। सेकेंड है हमारे पास स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग हम किसे कहते हैं? स्टॉर्मिंग हम कहते हैं जब ग्रुप बनने के बाद, ग्रुप मेंबर के जमा हो जाने के बाद, ग्रुप के अंदर ग्रुप मेंबर पोजीशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मरहला हमारे लिए क्या कहलाता है, स्टॉर्म। इसके अंदर कोई किसी का मातहत, कोई किसी का सबॉर्डिनेट, इस तरीके से डेवलपमेंट शुरू होती है। कौन सीनियर, कौन जूनियर, कौन किसका अकाउंटेबल, कौन किसी का अथॉरिटेरियन, ये सिलसिला हमारे पास कहलाता है स्टॉर्मिंग, यानी ग्रुप मेंबर अपनी हैसियत हासिल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास स्टेप है नॉर्मिंग। अब नॉर्मिंग कौन सा स्टेज है जिसके अंदर ग्रुप मेंबर के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, रिलेशनशिप से मुराद ये है कि मैं अगर ग्रुप का लीडर हूँ और मेरे मातहत ग्रुप मेंबर्स हैं, तो अब हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में डेवलपमेंट होती है रिलेशनशिप की, कि मैं अपने मातहत ग्रुप मेंबर को किस तरह देखता हूँ और मेरे ग्रुप मेंबर मुझे किस तरह देखते हैं, वो मुझे क्या समझते हैं, मैं उन्हें क्या समझता हूँ। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है ग्रुप मेंबर के दरमियान भाईचारे। ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि जितनी अच्छी नॉर्मल, यानी जितना अच्छा इंटरेक्शन, जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, उतनी सबकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई होगी, और जितना सबका रिलेशनशिप वीक होगा उतने ही ज्यादा परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास स्टेप है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वो स्टेज है जिसमें आके ग्रुप एक फॉर्मल वे में परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देता है, यानी परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और ग्रुप के अंदर ग्रुप मेंबर ग्रुप लीडर ग्रुप मेंबर को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह सब लोग एक दूसरे की म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के जरिए दिए गए टारगेट की अचीवमेंट के लिए परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टेज हमारा कहलाता है कौन सा स्टेज, परफॉर्मिंग। नेक्स्ट उसके बाद स्टेज है हमारे पास परफॉर्मिंग के बाद एडजर्न। एडजर्निंग वो स्टेज है कि जिस पे लास्ट स्टेज पे आके, कि जब हम चाहते हैं कि अगर ग्रुप के मकासद पूरे हो गए, ग्रुप की फर्दर जरूरत नहीं है, तो हम ग्रुप को या तो मॉडरेट चेंज या वाइंड अप, या इस तरह हम उसको कंडीशन में ले आते हैं। तो ये हमारा सिलसिला कहलाता है एडजर्न। तो ये वो बेसिकली तौर पे जो है 5 स्टेप है जो कि ग्रुप मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मीन ग्रुप का बनना। सेकेंड स्टेप है स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग मीन्स जहाँ ग्रुप के अंदर जो है इंटरेक्शन होगी, सारे लोग ग्रुप मेंबर एक पोजिशन लेना शुरू करते हैं। नॉर्मिंग, उसके बाद परफॉर्मिंग, और उसके बाद है एडजर्निंग। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं
ग्रुप इफेक्टिवनेस। अब ग्रुप बनना सिर्फ अहम काम नहीं है, ग्रुप की इफेक्टिवनेस बड़ी है कि हाउ ग्रुप इफेक्टिवली वर्किंग और क्या ग्रुप इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ग्रुप की इफेक्टिवनेस का दारोमदार किस चीज पर है, उसके अंदर सबसे पहला हमारे पास है अ ग्रुप इफेक्टिवनेस इज कॉम्प्लेक्स। ग्रुप की इफेक्टिवनेस हासिल करना आसान नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है, क्योंकि ग्रुप में मुख्तलिफ लोग, जिस तरह उनके फेसेस मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह उनकी नेचर मुख्तलिफ होती है, उसी तरह उनकी थॉट्स मुख्तलिफ होती है। तो चूंकि मुख्तलिफ कंडीशन, मुख्तलिफ सिचुएशन के लोग एक जगह जमा हो, तो यहाँ से हमारे सामने मसाइल सामने आते हैं। और ये मसाइल अगर हल नहीं हो तो ग्रुप कभी भी इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता, और अगर ये मसाइल हल हो गए तो ग्रुप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं टकराव को। टकराव किस चीज का, जब सेम पॉइंट पे दो अलग अलग लोग दो अलग अलग राय रखते हो और दोनों एक दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, ये है डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और डेफिनेटली जहां दो चार लोग जमा होते हैं, वहां सबसे पहले जो हमें देखने को चाहिए कि वो ये डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करा जाता है, इन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है। और इनको मैनेज और कंट्रोल किए बगैर ग्रुप कभी इफेक्टिव बन नहीं सकता। और इसकी आइडियल कंडीशन क्या है, क्या हमेशा ग्रुप लीडर ही अपनी बात एग्रीमेंट अपना इम्पोज करेगा ग्रुप मेंबर पर, या कभी वो ग्रुप मेंबर की बात को एक्सेप्ट करेगा, कभी अपनी एक्सेप्ट कराएगा। वो ग्रुप लीडर जो हमेशा सिर्फ अपनी ओपिनियन को इम्पोज या इन्फोर्स करते हैं, कभी अच्छे ग्रुप लीडर नहीं बन पाते। वो ग्रुप लीडर जो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, कभी अपनी बात बनवा कर और कभी उनकी बात मानकर, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट बड़े खतरनाक है ग्रुप की इफेक्टिवनेस के लिए, इसको मैनेज हैंडल और सॉल्व करना। थर्ड, सॉल्विंग स्टेज आउट परफॉर्म माइट हैपन इन नॉर्मल एंड परफॉर्मिंग स्टेज। ग्रुप मेंबर कौन सी जगह पे किसको होना चाहिए, कौन है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहा है, किसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी और उसको क्या काम दिया गया। अगर इन तीनों चीजों में, तीनों पॉइंट में मिसमैनेजमेंट हो जाए, तो चाहे कितने ही अच्छे लोग ग्रुप अभी अच्छा परफॉर्म, मेरी ग्रुप अफेक्टिव नहीं रह सकता, इफेक्टिवनेस नहीं आ सकता। लेकिन अगर इन तीनों पॉइंट को ऑर्डर फॉर्म में मेंटेन किया जाए, जिसकी जितनी कॉम्पिटेंसी उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जितनी एबिलिटी उसकी उतना डेजिग्नेशन, तो उसका मतलब है कि ग्रुप बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। तो एक ग्रुप को मेकिंग के बाद जो सेकेंड हमारे पर टारगेट होता है कि हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव ग्रुप, तो किस तरह इफेक्टिव बनाया जा सकता है। है स्टेजेस ऑफ स्टेजेस डजंट ऑलवेज प्रोसीड सीक्वेंटली। ये जो मुख्तलिफ कंडीशन है ग्रुप के अंदर इफेक्टिवनेस के लिए, जो हिंड्रेंस रुकावट है, ये कभी तरतीब में नहीं आती। कभी कोई रुकावट पहले आ जाएगी दूसरी बात में, कभी दूसरी पहले दूसरी बात में, यानी इनकी तरतीब में कोई सीक्वेंस नहीं होता। आपको इनको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, वरना आप ग्रुप को सही तरह ऑपरेट या हैंडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रुप रिग्रेस स्टेज। ग्रुप का रिग्रेस स्टेज क्या है, वो स्टेज जिस पे आके ग्रुप अगर मेच्योर हो गया और परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे में हम क्या चाहेंगे कि परफॉर्मेंस कभी अच्छी हो कभी भी, ये परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन होना चाहिए, कंटिन्यूसली ग्रोथ पर। तो हमें इस चीज को कंसिडरेशन करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सके। नेक्स्ट, मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रुप प्रॉब्लम एंड इश्यूज। एक ग्रुप लीडर यानी मैनेजर को ग्रुप की प्रॉब्लम और ग्रुप के इश्यूज को सीरियसली लेना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर वो सीरियसली लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, इशू तो खत्म नहीं होंगे, और जब ये खत्म नहीं होंगे तो ग्रुप मेंबर मोटिवेशन से फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। अगर वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ चले जाएंगे तो नतीजा क्या हुआ, परफॉर्मेंस वीक होना शुरू हो जाएगी। तो मैनेजर को जरूरत है किस चीज की, ग्रुप की प्रॉब्लम को सीरियसली हैंडल यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और इश्यूज को अंडरस्टैंड करने की, ताकि इश्यूज को खत्म किया जा सके।
फाइव मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के जो हमारे पास फाइव मेजर कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर। बिहेवियर किसे कहते हैं? पहली बात, जनरली बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है? किसी भी एक्शन के अगेंस्ट किसी शख्स का रिएक्शन, वो हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। मसलन मुझे किसी ने जोक सुनाया, मैं हंस दिया, तो जोक एक्शन था और हंसना रिएक्शन था, ये मेरा बिहेवियर था। लेकिन अगर किसी ने जोक सुनाया और मैंने लड़ना शुरू कर दिया, ये मेरा बिहेवियर। दोनों बिहेवियर सेम है, अलग अलग है। एक बिहेवियर नॉर्मल है, दूसरा बिहेवियर एबनॉर्मल। तो ग्रुप के अंदर हमें समझना होता है ग्रुप मेंबर्स की बिहेवियर्स को, क्योंकि बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड किए बगैर हम कभी भी अपने ग्रुप मेंबर को हैंडल, कंट्रोल या उनकी काउंसलिंग या उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है कि ग्रुप मेंबर्स, उनके अंदर उनका बिहेवियर, आपस में वो इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, उनके अंदर भाईचारगी कितनी है, और ये डिपेंड करता है ग्रुप के साइज के ऊपर। सेकेंड है हमारे पास ग्रुप रोल, ठीक है जी। अच्छा, ग्रुप रोल के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप रोल, बिहेवियर पैटर्न एक्सपेक्टेड विद अ गिवन पोजिशन। डायरेक्ट बिहेवियर ग्रुप लीडर का अलग होगा और ग्रुप मेंबर का अलग होगा, तो जिसको जो पोजीशन दी जाती है वो उसी लिहाज से उसका बिहेवियर है। यानी कल के ग्रुप मेंबर को अगर आज हम ग्रुप लीडर बनाते हैं, तो क्या उसका बिहेवियर कल ही जैसा रहेगा? डेफिनेटली नॉट। एज ए मेंबर उसका बिहेवियर कुछ, हमारे बिहेवियर हमारी पोजीशन के मुताबिक चेंज भी होते हैं। क्या चेंजिंग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है या नहीं? तो जरूरी है। अगर हम समझें कि सब बिहेवियर सेम रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज डिटरमाइन व्हाट, हमें ग्रुप मेंबर बनते ही सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लोग हमसे किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फोकस करते हैं तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है, और नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, भाईचारगी बढ़ जाती है, और हम एक अच्छी ग्रुप या टीम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन देखनी चाहिए कि ग्रुप लीडर मेंबर से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ग्रुप मेंबर लीडर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और मेंबर आपस में एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके मुताबिक अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हम एक आइडियल ग्रुप की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट है रीड जॉब डिस्क्रिप्शन। हर ग्रुप मेंबर को पता होना चाहिए उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी उसकी क्या जॉब असाइन की गई है। जैसे अकाउंटेंट का काम है अकाउंट्स को मैनेज करना, हैंडल करना, टीचर का काम है टीचिंग करना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना। इसी तरह मुख्तलिफ जॉब्स की मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन है, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए कि डिटेल आ ये एचआर में डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए क्या क्या है। उसके अंदर सबसे अहम चीज़ है आपकी मेजर ड्यूटी, आपका मेन काम क्या है। सेकेंड है वॉच को वर्कर। अब हमारे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट ये होती है जहाँ पे आपके साथ को वर्कर्स भी होते हैं, तो आपको क्या मेल वर्कर और फीमेल को सेम बिहेवियर में डील करना है या अलग अलग करना है? क्योंकि इनके अंदर जो है जेंडर चेंजेस हैं, तो आपके बिहेवियर को भी चेंज होना चाहिए। अगर आप सेम करेंगे तो ये सही फॉर्मल ग्रुप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको ये भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद सजेशन फ्रॉम बॉसेस, और आपको ग्रुप की परफॉर्मेंस, ग्रुप एक्टिविटी के हवाले से कंटिन्यूसली सजेशन देने चाहिए, क्योंकि ग्रुप की परफॉर्मेंस सेम नहीं रहती, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। तो आपको ताकि पता चले कि इंक्रीज होने के रीज़न क्या थे और डिक्रीज होने के रीज़न क्या थे। नेक्स्ट, ग्रुप रोल कॉन्फ्लिक्ट रोल, एम्प्लॉय हैज कॉन्फ्लिक्ट रोल। एम्प्लॉयज जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मैंने भी लास्ट टाइम आपको थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता चुका हूँ, यहाँ पे जरूर रिवाइज करने की नहीं है। एम्प्लॉयज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्टिंग रूल कब आते हैं? जब उनके अंदर एक्सपेक्टेशन कम होता हुआ था, यानी वो एक्सपेक्टेशन रखता था कुछ जो उससे काम लिए जा रहे हैं, कुछ यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हमारी परफॉर्मेंस को हमेशा डैमेज करता है, कभी परफॉर्मेंस को बढ़ाता नहीं है।
अब हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर, नॉर्म एंड कंफॉर्मेटी, नॉर्म एंड एक्सेप्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। यानी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है कि मैं अगर ग्रुप लीडर हूँ तो ग्रुप मेंबर का मुझे एक्सेप्ट करना और मेरा ग्रुप मेंबर को एक्सेप्ट करना। अगर ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो कभी भी ये ग्रुप कामयाब नहीं होगा। और अगर ग्रुप लीडर ने ग्रुप मेंबर्स को, ग्रुप मेंबर्स ने ग्रुप लीडर को, दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका मतलब है कि ग्रुप अब कामयाब हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। एफर्ट्स जितने है और परफॉर्मेंस जो आपको अचीव करनी है। आया ग्रुप के अंदर सबकी एफर्ट्स और सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? डेफिनेटली सबकी एफर्ट भी सेम नहीं होती, सबकी परफॉर्मेंस भी सेम नहीं। तो क्या ऐसे में हमें सबको एक जैसा डील करना चाहिए या अलग अलग डील करना चाहिए? अगर हम बेस्ट परफॉर्मर को नज़रअंदाज करेंगे और पुअर परफॉर्मर को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे ग्रुप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस पड़ेगी, बुरी परफॉर्मेंस? डेफिनेटली बुरी परफॉर्मेंस। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब जाकर जो है एक परफॉर्मेंस की एनवायरमेंट पॉजिटिव होगी और पुअर परफॉर्मर भी अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएंगे। तो हमें देखना है एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के ड्रेस एक्सेप्टेबल है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ड्रेस आपके अपने पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और अगर ड्रेस आपकी एक्सेप्टेबिलिटी से अगेंस्ट हो जाए तो आपकी सारे भी चीजें जो है वो नाकाम हो जाए। तो ड्रेस का एक्सेप्टेबल है। उसके बाद कंफर्मिटी, ग्रुप के अंदर कैसा बिहेवियर हो कि ग्रुप के अंदर लोगों का आकर एडजस्ट होना आसान हो या मुश्किल हो। डेफिनेटली ग्रुप के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग चल रही होगी। तो अगर ग्रुप के अंदर न्यू मेंबर की इंट्रेंस सॉफ्ट है और उनका एडजस्ट होना आसान है तो इससे ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस ग्रेडिंग पोजीशन ऑफ रैंक विद इन अ ग्रुप। ग्रुप मेंबर के ग्रुप के अंदर हर कोई एक बेहतर से बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए एफर्ट्स करता है। कल का ग्रुप मेंबर आज का ग्रुप लीडर बनना चाहेगा, आज का ग्रुप लीडर टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहेगा और ये सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनके अंदर ग्रोथ हासिल करने की मोटिवेशन को बढ़ाना चाहिए। इसको उनको पर्सनली खुद भी फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें एक ग्रुप लीडर अपने ग्रुप मेंबर को मोटिवेट करता है, वो मोटिवेशन इस्तेमाल करता है। मोटिवेशन कब होती है? जब आप अपने ग्रुप मेंबर को उनकी गोल, ऑब्जेक्टिव, मंजिल दिखाएं। कल का ग्रुप मेंबर आज का ग्रुप लीडर, आज का ग्रुप लीडर कल का टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा। तो जब आप इस तरह के उसको गोल्स दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मोटिवेट होना शुरू होता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्रुप पे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफन प्लेस पीपल इनटू स्टेटस कैटेगरी। ग्रुप के अंदर स्टेटस सीकर हाई, लो एंड इन द मिडिल। यानी कोई मिडिल लेवल पर है, कोई टॉप लेवल पर है, कोई लोअर लेवल पर है, कोई भी कभी भी ग्रुप में सारे मेंबर बराबर नहीं हो। कुछ फ्रंट लाइन पे है, कुछ मिडिल पर है, कुछ बिल्कुल एंड पर है। ये जो कैटेगरी मुख्तलिफ हिस्सों में, ये किस बुनियाद पर होनी चाहिए? क्योंकि ब्यूटी की बुनियाद पर होनी चाहिए, उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होनी चाहिए। डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस अच्छा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा वो डेफिनेटली आगे आता रहेगा। जिसकी एवरेज परफॉर्मेंस होगी वो एवरेज ग्रुप में होंगे और जो पुअर परफॉर्मेंस होगी बिल्कुल लास्ट। तो इस तरह हम अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस इनके दरमियान में डिफरेंसेस भी देखते हैं जो आमतौर पर पाए जाते हैं। उसके बाद साइज ऑफ ग्रुप। साइज ऑफ ग्रुप, हम ग्रुप को दो तरीके से बयान करते हैं, स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप। स्मॉल ग्रुप किसे कहते हैं? स्मॉल ग्रुप कहते हैं जिसमें मेंबर्स 5 से 7 के दरमियान हो, वो स्मॉल ग्रुप कहलाता है। और लार्ज ग्रुप हम कहते हैं जिसमें मेंबर ऑफ ग्रुप 12 12 से ज्यादा, एज मच एज नीड, अकॉर्डिंग टू नीड ज्यादा होते चले, तो ये लार्ज ग्रुप कहलाता है। अब कहाँ पर स्मॉल ग्रुप बनेगा, कहाँ पर लार्ज ग्रुप बनेगा, ये डिपेंड करता है टारगेट्स पे,
गोल्स फॉर अचीवमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। और ये बड़ा सेंसिटिव डिसीजन होता है कि कहाँ पे लार्ज के रूप में इस्तेमाल होगा, कहाँ पे स्मॉल, क्योंकि लार्ज जहाँ पे नीड है वहाँ स्मॉल हुआ, जहाँ स्मॉल की नीड है दोनों जगह फेलियर है। क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ, साइज ऑफ ग्रोथ एक्चुअल डिटरमाइन करना, ये बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा मेन स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है जिसके जरिए डिटरमाइन करते हैं कि ग्रोथ कहाँ पर वेरी, किस साइज में वेरी करें। ग्रुप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग, आया ग्रुप मेंबर के दरमियान भाईचारगी होनी चाहिए, नफसा-नफसी भाईचारगी होनी चाहिए। अगर ग्रुप मेंबर मुसलसल एक दूसरे से डिसएग्री नजर आएंगे तो ग्रुप फॉलो अप हो जाएगा, परफॉर्म नहीं कर सकेगा, और अगर कंटिन्यूसली एग्री नजर आएंगे तो ग्रुप परफॉर्म करेगा और ग्रुप कामयाब हो जाएगा और टारगेट अचीव कर लेगा। तो ग्रुप कोशिश में जरूरी है। नेक्स्ट, अट्रैक्टेड टू द वन एंड अदर, ग्रुप मेंबर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ जो है टॉपर बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं, कुछ मिडिल हैं, कुछ लोअर हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं वो मिडिल वालों को अट्रैक्ट करते ही नहीं करते, मिडिल वाले टॉपर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये टॉपर्स वाले मिडिल, डेफिनेटली इंसान अपने से बेहतर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्शन जो है ग्रुप के अंदर एक कंपटीशन की भी कंडीशन बनाता है, लोग इससे अपने आप में इम्प्रूव भी करते हैं, और इस तरह कल का पुअर आज का बेस्ट परफॉर्मर बन जाता है। तो ये अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से ग्रुप में। फिर उसके बाद है ग्रुप एटीट्यूड। एटीट्यूड किसे कहते हैं? एटीट्यूड यानी आप जो है अपने आप को ग्रुप के अंदर किस पोजिशन पे क्या समझते हैं, आप लोगों को अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो आपका एटीट्यूड जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है ग्रुप की कॉन्फिडेंस भाईचारगी के अंदर। अननेसेसरी एटीट्यूड ग्रुप के अंदर गैप क्रिएट करते हैं। नेसेसरी एटीट्यूड ऐसी चीज है कि अगर बिल्कुल नहीं है तो भी आम, और अगर बहुत ज्यादा है तो भी आम। इन शख्स है जिसके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, उसका मकसद है कि कब उसकी इंसल्ट हो रही है, कब अप्रिसिएशन, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहा, एबनॉर्मल कंडीशन। और एक शख्स इतना ज्यादा एटीट्यूड रखता है कि हल्की सी भी किसी ने पॉइंट आउट किया वो फौरन नाराज हो गया, एबनॉर्मल। तो एटीट्यूड एक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए जो आइडियल होता है, जो अकॉर्डिंग टू लीड होता है। तो ग्रुप लीडर हो या ग्रुप मेंबर, इनके दरमियान एटीट्यूड का भी तवाजुन बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉसिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। इनका तीन वर्ड का आपस में रिलेशनशिप क्या है? भाईचारगी, रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी, कॉसिवनेस, रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी। जब तक ग्रुप के अंदर अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे उस वक्त तक भाईचारगी, जब तक भाईचारगी नहीं होगी उस वक्त तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और प्रोडक्टिविटी कैसे कहते हैं कि हम, प्रोडक्टिविटी की सिंपल डेफिनेशन है क्या इनपुट रिसोर्सेस का हो रहा है और क्या आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। अगर इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम, ये फेलियर को इंडिकेट करता है, और अगर इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा तो ये सक्सेस को इंडिकेट करता है। तो प्रोडक्टिविटी के पीछे जो अहम फैक्टर है, एक है रिलेशनशिप एंड नेक्स्ट है कॉसिवनेस। इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हाईली कॉसिवनेस टीम इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज मोरल, इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है आपके पास हाईली कॉसिवनेस, यानी सबसे पहले तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप ये कर लेते हो तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है सेल्फ स्टीम, यानी कोई ग्रुप लीडर है, कोई ग्रुप मेंबर है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। फिर इंक्रीज मोरल, इससे क्या होता है कि लोगों का मोरल हाई होता है, कि उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इससे फिर क्या होता है ग्रुप की परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये दो फैक्टर मिलते हैं रिलेशनशिप एंड कोसिवनेस, तो डेवलपमेंट होती है प्रोडक्टिविटी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड कोसिवनेस। कॉसिवनेस को अगर इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे हाई एंड लो, एक तरफ हाई आपको दिखाई जा रहा है, दूसरी तरफ लो। स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हाई डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेट ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जब हम इन दोनों के दरमियान में देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, कब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कब प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर उसके बाद सेकंड डायमेंशन में देखें, मॉडरेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी,
जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, वो कौन से वामिल हैं जब प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं रखते, जिनकी आय कम और ज्यादा होने से प्रोडक्टिविटी सेम रहती है, वो कौन से फैक्टर हैं जिससे प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है। इनमें जो मेन चीज है वो है कॉन्सिक्वेंस, यानी उनकी ग्रुप मेंबर की आपस में अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, ये दवा कि जितनी बेहतर होगी उतनी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे 5 मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। वो कौन कौन से 5 मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो ग्रुप बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं। इनके अंदर सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास इस सेशन के अंदर जो है, हम सिर्फ अभी ग्रुप को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे सेशन का जो टाइम स्लॉट है वो बस एंडिंग पर आ रहा है, और इसके जो रिमेनिंग टीम वाला है कि ग्रुप किस तरह टीम की शक्ल इख्तियार करता है, वो हम फिर इसको जो है नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज हम इसको भाई यहीं तक रखेंगे कि ग्रुप के क्लास हमारा है 5 मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। अब 5 मेजर कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एनी एंडर्सन स्टडी। एक स्टडीज है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से ग्रुप के अंदर टीम की शक्ल अख्तियार करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वो जो वो 5 के 5 फैक्टर हैं, ये डिटरमाइन ही करते हैं कि किस तरीके से ग्रुप बनते हैं, मेच्योर होते हैं और एक ग्रुप टीम की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। यहाँ पे मैं टीम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हर ग्रुप टीम नहीं बनता जब तक कि वो एफिशिएंटली परफॉर्म ना करने लगे, और जिस दिन ग्रुप एफिशिएंटली परफॉर्म करने लगता है तो वो ग्रुप टीम की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो किसी भी टीम का इनिशियल स्टेज ग्रुप होता है और उसका मेच्योर स्टेज टीम वर्क कहलाता है। तो अब हम यहाँ तक ये हमारा ग्रुप का सेशन हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। अगर हम देखें, सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। उसके अंदर हमने डेफिनेशन में बात की कि जब 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलके परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है ग्रुप। फिर ग्रुप 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल वो ग्रुप होता है जो विद प्लान होता है, इनफॉर्मल वो होता है जो विदाउट प्लान होता है। उसके बाद हमने बात करी ग्रुप की टाइप्स। तो सबसे पहले कमांड ग्रुप, जो आमतौर पर मैनेजमेंट ग्रुप होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करता है और जिसका रिलेशनशिप होता है सबॉर्डिनेट से। टास्क ग्रुप जो पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। क्रॉस फंक्शनल टीम, वो टीम जो किसी एक ही फंक्शन को नहीं, डिफरेंट वैरायटी फंक्शन को परफॉर्म करती है, ये भी ग्रुप है। और सेल्फ मैनेज टीम, ये वो टीम होती है जिसको टीम लीडर की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ मैनेज करती है। उसके बाद हमने बात की स्टेजेस ऑफ ग्रुप। इसमें पहला स्टेज था हमारे पास स्टॉर्मिंग, सॉरी फॉर्मिंग। उसके बाद दूसरा स्टेज है हमारे पास स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ है परफॉर्मिंग और फिर एडजॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी ग्रुप बनना शुरू होता है, फिर लोग ग्रुप में पोजीशन अख्तियार करते हैं, फिर ग्रुप में समझना शुरू करते हैं, फिर परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और ग्रुप एंड की तरफ चला जाता है। तो ये वो 5 पॉइंट है जिसके जरिए ग्रुप की फॉर्मेशन। ग्रुप डेवलपमेंट की बात कर, हमने देखा स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेजेस हैं जहाँ पे ग्रुप कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने बात की ग्रुप इफेक्टिवनेस, क्या हर बनने वाला ग्रुप इफेक्टिव होता है? नो। वो कौन से रीजन, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ग्रुप की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? तो वो हमने इसमें देखे कि कॉन्फ्लिक्ट सबसे खतरनाक चीज है जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को खत्म कर सकता है। तो जब तक ग्रुप लीडर ग्रुप परफॉर्मेंस या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज, हैंडल या कंट्रोल नहीं करना जानता, वो कभी भी एक अच्छा ग्रुप, कामयाब ग्रुप चला नहीं सकता। इसमें हमने देखा कि ग्रुप को इफेक्टिव किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा 5 मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप के बिहेवियर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसमें हमने मुख्तलिफ बिहेवियर देखे, रोल क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉइज का आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं, ये सारे बिहेवियर हैं जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद बिहेवियर स्टेटस सिस्टम, यानी ग्रुप के अंदर जो लोग खुद से खुद पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं, ये हमने बात की। और यहाँ पे आके हमारा ये ग्रुप का सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।
नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे टीम की। अल्लाह हाफिज।